अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। सोलापुर शहर से दिल्ली साइकिल पर संविधान सुरक्षा अभियान यात्रा पर चांद साहब मुजावर दिनांक 19 में रविवार को सोलापुर में बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन करके साइकिल पर दिल्ली रवाना हो गए। सोलापुर शहर में हर समाज के लोगों ने फोन का सत्कार किया, मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय शिवराय, जय बुद्धाय नमः। दोस्तों, आज मैं सरजमीन सोलापुर से दिल्ली, जहां पर हमारे भारत देश की राजधानी है, वहां तक एक संविधान सुरक्षा अभियान लेकर संकल्प यात्रा साइकिल पे कर रहा हूं कि हमारे देश का संविधान सुरक्षित रहे, हम गरीबों को न्याय सम्मान जो बाबा साहब ने दिया है वो सम्मान हमें मिलता रहे। आज एक ऐसी हवा चल रही है जहाँ के संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की बात हो रही है, तो ये संविधान अगर बदल जाएगा तो भारत का कोई नागरिक मान सम्मान के साथ जीना दुश्वार हो जाएगा। उस दुश्वारी को दूर हो और उस दुश्वारी से बचने के लिए मैं सभी देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि संविधान की सुरक्षा के लिए आप सब लोग जागरूक रहे, जागते रहे और इस बचाने के मिशन में आप भी सहभाग होते रहे, क्योंकि दोस्तों आज ये देश बहुत ही बुरे हाल पर गुजर रहा है। इस देश को बचाने के लिए हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा, क्योंकि भारत देश को हर रंग के फूलों से मिलकर सजाया गया है, तो ये मिशन हमारा कामयाब हो और आप हमें आशीर्वाद दे, दुआ दे, हमारे लिए शुभकामनाएं दे, क्योंकि मैं ये मिशन पर निकला है, इस मिशन में मुझे कामयाबी मिले। मैं आज 19/5/2024 इतवार का दिन है, सुबह मैं 9 बजे अपने घर से निकला हूँ। आज भारत रत्न परम पूज्य भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के इनके मूर्ति को अभिवादन करके यहाँ से मेरे सफर का आगाज करने जा रहा हूँ। ये सफर सोलापुर से दिल्ली तक का है, 2000 किलोमीटर का, और मेरा मिशन है संविधान सुरक्षा अभियान, मतदार जन जागृति अभियान, संकल्प साइकिल यात्रा। तो दोस्तों, ये संविधान को बचाने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए मेरा ये मिशन है। और मैं यहाँ से निकलूं तो पहले मोहर होते हुए टेंबुर्नी, करमाड़ा, नगर, मालेगांव, नासिक, शिरडी, कोपरगांव, धुलिया, रतलाम, वहां से होते हुए मंदसौर, मध्य प्रदेश की बॉर्डर क्रॉस करते हुए आगरा, जयपुर, वहां से दिल्ली, ये मेरा मिशन है संविधान सुरक्षा अभियान। क्योंकि आज 19 तारीख से मेरा सफर 2 जून को खत्म होगा, 20 या 22 दिन में मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूं, क्योंकि भारतवासियों आज हम लोग देखते हैं कि हर जगह नफरत की चिंगारी भड़क रही है, दिल से दिल को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वो दिल से दिल को जोड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि हम हिंदू मुसलमान बाद में है, पहले इंसान है। उससे एक बात मुझे याद आती है कि हालात जमाने के संभलने नहीं देते, हालात जमाने के संभलने नहीं देते, हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते, नफरत की हवाओं को जमाने से मिटा दो, ये उल्फत के चिरागों को तो जलने नहीं देते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।